This is NLM module 11. Basically, यहाँ पे हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें स्ट्रिंग्स में मास गिवन है. When string is not massless, हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें स्ट्रिंग का मास होता है ना. तो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन करवा दीजिए. मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है सर. पहला जो सम है वो मैं करने वाला हूँ, ये है, ये एक रॉड है, इसका मास m है. रॉड को हम एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर सकते हैं, रॉड को हम एक स्ट्रिंग ट्रीट कर सकते हैं. इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l है, कैप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस. म्यू कितना है सर? 0 है. अच्छा, फाइंड द, अच्छा इधर आपने एक फोर्स F लगा दिया है, दिस इज़ द फोर्स F. फाइंड टेंशन इन रॉड, फाइंड टेंशन इन रॉड एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स F इज अप्लाइड. तो जिस एंड पे फोर्स अप्लाई कर रखा है उससे x डिस्टेंस पे आपको टेंशन निकालनी है. फाइन, टेंशन इधर मान लो कितनी है सर? T. अच्छा, एक ही तो फोर्स लग रहा है, F. पूरे का मास कितना है? m. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू एफ बाई एम. एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज एफ बाई एम. अब जरा एफ पी डी बना लें इसकी. एफ पी डी ऑफ रॉड है ना, इस वाले पोर्शन की एफ पी डी. इधर क्या लगेगा? एफ, ठीक है सर. इधर क्या लगेगा सर? टेंशन. अच्छा, एल लेंथ का मास कितना है? एम. वन का कितना होगा? एम बाई एल. एक्स का मास कितना होगा? एम बाई एल इंटू एक्स. तो इसका मास मिल गया मुझे एम बाई एल इंटू एक्स. एक्सलरेशन तो यही है, ठीक है सर. तो इक्वेशन क्या बनेगी मोशन की इसकी? एफ माइनस कैपिटल टी, एफ माइनस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू मास एम बाई एल एक्स इंटू ए. आपको टी चाहिए, टी कितना हो गया? एफ माइनस एम बाई एल एक्स इंटू ए, और ए की वैल्यू एफ बाई एम, एम से एम गया, एफ कॉमन ले लीजिए, वन माइनस एक्स बाई एल. वन माइनस एक्स बाई एल. अगर ये जो पॉइंट है जहाँ पे अपने को स्ट्रिंग में टेंशन, इस रॉड में टेंशन निकालनी है, अगर ये मिड पॉइंट होता तो जो एक्स है उसको अपन क्या रख देते सर? एल बाई टू, है ना. तो टेंशन कितनी होती सर? एफ बाई टू, ठीक है सर. अभी तो एक ही एंड पे फोर्स लगाया था मैंने, अभी तो मैंने एक ही एंड पे फोर्स लगाया था. मैं इस बार क्या करने वाला हूँ कि दोनों एंड पे फोर्स लगाने वाला हूँ. रॉड है, रॉड के दोनों ही एंड पे आपने क्या लगा दिया सर? फोर्स लगा दिया, ठीक है सर. देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सेम रॉड है, रॉड को आप स्ट्रिंग मान लीजिए, है ना, या स्ट्रिंग ही मान लीजिए, स्ट्रिंग ही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉड स्ट्रिंग एक ही बात है. ये क्या है सर? एफ वन. ये क्या है सर? F2. टोटल लेंथ कितनी है सर? L. यहाँ से x डिस्टेंस पे मुझे क्या चाहिए? टेंशन चाहिए भैया. यहाँ पर टेंशन कितनी है? ठीक है, कहाँ रखा है सर? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है. अच्छा, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई एक फोर्स पड़ा है, एज्यूम करके चल रहे हैं. ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दोनों फोर्स बराबर हो. एज्यूम कर लेते हैं कि F2 F1 से क्या है सर? बड़ा है. एज्यूम किया है ना,
अपने को यहाँ पे क्या चाहिए सर? टेंशन चाहिए, बराबर। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स कितना हो गया तुम्हारा? एफ टू माइनस एफ वन बाई एम, ये एक्सेलरेशन हो गया सॉल्यूशन। टेंशन इधर लगा दूँ, टेंशन कहाँ लगा दूँ? इधर लगा दूँ। एफ पी डी क्या आएगा? इधर क्या होगा सर? एफ टू। इधर क्या होगा? टी। इधर क्या है? एक्सेलरेशन। और इसका मास हम बार बार करते आए हैं, पिछली बार भी किया था, इसका मास कितना होगा? एम बाई एल इंटू एक्स। इक्वेशन क्या बनेगी सर? एफ टू माइनस टी एम बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन। देखिए टी इक्वल्स टू एफ टू माइनस एम बाई एल इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन कितना है? एफ टू माइनस एफ वन बाई एम, ये कट गया। एफ टू माइनस एफ टू माइनस एफ वन बाई एल इंटू एक्स, ये टेंशन आ गई। गिवन पॉइंट पे ये टेंशन होगी, गिवन पॉइंट पे ये टेंशन होगी। तो बड़ी रॉड हो या आपने को कहा जाए कि इसी तरह की एक स्ट्रिंग है, तो उसके इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है सर? क्या निकालना है सर? टेंशन निकालनी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है सर, है ना। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता इसमें है नहीं, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता इसमें है नहीं। क्वेश्चन देखिए, बड़ा साधारण से क्वेश्चन होते हैं इसके, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते। ये देखिए, ये स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने एक मास कुछ हैंग कर दिया है। मान लीजिए कि ये 1 kg है, ये 1 kg है, ये 1 meter की क्या है सर? लेंथ की स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का जो मास है, मास ऑफ स्ट्रिंग इज 1 kg। मास ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट सर? 1 kg, ठीक है। सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। एक तो आपको निकालना है कि भैया यहाँ पे टेंशन कितनी, एक आपको निकालना है कि यहाँ पे टेंशन कितनी, और एक आपको ये निकालना है कि यहाँ पे टेंशन कितनी। सी पे टेंशन तो केवल किसके कारण होगी? 1 kg के कारण। तो टी सी पे तो कितना होगा? 10 newton। टी सी पे कितना होगा? 10 newton। टी बी पे निकालना है, तो एक तो इसका और आधा इसका, ये मिड, दिस इज हाफ, एक इसका और आधा किलो इसका, कितना हो गया? 1.5। तो ये कितना हो गया? 15 newton। ए पे निकालना है, तो 1 kg इसका, 1 kg इसका, तो टी ए कितना हो गया सर? 20 newton, है ना। ऐसे 1g 1.5g एंड 2g, 1g 1.5g एंड 2g, है ना। कितना साधारण सा प्रश्न था। तो इसके क्वेश्चन बेसिकली जो होते हैं वो साधारण ही होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन, ये एक चैन है, चैन के 5 लिंक है, हर एक का मास गिवन है, दैट इज 100 ग्राम, 5 लिंक, और टॉप पे आपने फोर्स लगा दिया एफ, तो ऊपर की तरफ जा रही है ये एक्सेलरेशन 2 m/s² से। मास ऑफ ईच लिंक आपको गिवन है, ईच लिंक आपको गिवन है, दैट इज मास ऑफ ईच लिंक इज 100 ग्राम और 0.1 kg। एक तो आपको यहाँ पे टेंशन निकालनी है, एक यहाँ पे टेंशन निकालनी है, एक यहाँ पे टेंशन निकालनी है, एक यहाँ पे टेंशन निकालनी है। तो शुरू करें, यहाँ पे टेंशन मान ले कितनी है? T1। नीचे क्या लगेगा? 0.1g। सेपरेट कर लें क्या इसको? ऊपर क्या लगेगा? T1। नीचे क्या लगेगी? 0.1g, और एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो T1 माइनस 0.1g मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T1 कितना आएगा? 1.2 newton। दिस इज, ये देखिए यहाँ पे कितना होगा? T2। यहाँ पे क्या होगा? T1। ऊपर क्या लगेगा? T2। नीचे क्या लगेगा? T1। और नीचे एक चीज़ और लगेगी, क्या सर? मास, क्या? वेट। ऊपर तो T2 माइनस T1 माइनस 0.1g, 2 इंटू मास कितना है? 0.1।
t2 minus 1.2 minus 1 0.2, t2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2.4 न्यूटन, है ना। तो आपने देखा 1.2 जुड़ गया, है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर अपन t3 निकालना चाहें, ठीक है, तो t3 निकालना चाहें तो नीचे क्या लगेगा, t2 इधर क्या आएगा, t3 नीचे क्या लगेगा, t2 नीचे एक चीज़ और लगेगी, क्या सर, 0.1g, और एक्सेलरेशन ऊपर कितना है, 2, ये t3 है सॉरी। तो t3 माइनस t2 कितना है, 2.4 माइनस 0.1g इक्वल्स टू 2 × 0.1, t3 कितना आ गया, 3.6, यहाँ 3.6 आएगा। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि यहाँ कितना आएगा, t4, 1.2 छोड़ दे, कितना आएगा 4.8। अगर आपको ये फोर्स चाहिए तो ये फोर्स कितना आएगा, 6 न्यूटन। 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 जोड़ते जाइए, ठीक है। हाँ, नहीं तो कहीं लगाया भैया, कैलकुलेशन करिए, क्या नहीं लगाया सर, तुक्का नहीं लगाया है, वी हैव डन कैलकुलेशन। तो जिनमें मास होता है सिस्टम में, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, है ना। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, कि ये 5 किलो का है, ये जो स्ट्रिंग है ये 2 किलो की है, और ये जो मास है वो कितने का है, 3 किलो का है। ऊपर आपने फोर्स एफ लगा दिया, ठीक है सर, है ना। हम कह रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो आपको ये बताना है कि एफ कितना है, ठीक है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन रोप, रोप के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, रोप के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। व्हाट इज टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप, टेंशन कितनी है मिड पॉइंट ऑफ द रोप, ठीक है सर। अब अगर मैं पूरे को एक ही सिस्टम से बैलेंस कर दूं, तो एफ ये कितना है, 5 और 2 7 और 3 10, तो ऊपर तो क्या लगेगा एफ, नीचे क्या लगेगा 10g, और एक्सलरेट कर रहे हो आप 2 से, तो एफ माइनस 100, 10g कितना होता है 100 इक्वल्स टू 2 × मास, तो कितना हो गया एफ इक्वल्स टू कितना हो गया 120 न्यूटन। आपको इस रोप पे नेट एक्सलरेशन, इस रोप पे नेट फोर्स चाहिए। किसी पर भी नेट फोर्स जो होता है वो होता है उसका मास इनटू उसका एक्सलरेशन। तो रोप का जो मास है वो कितना है सर, 2, और एक्सलरेशन कितना है सर, 2, तो 2 × 2 ये कितना हो गया सर, 4 न्यूटन। किसी भी रोप, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर नेट एक्सलरेशन निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उसका एक्सलरेशन। आपको मिड पॉइंट पे चाहिए, दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट। तो नीचे कितना होगा सर, 1 kg, है ना। तो इसका जो एफ बी डी आएगा वो क्या आएगा, नीचे क्या लग रहा है सर, 3g, ऊपर क्या लगा दिया सर, टेंशन, और एक्सेलरेशन कितना है सर, 2। तो टी माइनस 3g इक्वल्स टू मास कितना है, 3 × 2, तो टी इक्वल्स टू 6 + 30, दैट इज व्हाट, 36 न्यूटन, दैट इज व्हाट, 36 न्यूटन। और अपन लंबा नहीं खींचेंगे इस चीज़ को, बेसिकली यहीं पे इसको एंड करेंगे, बेसिकली यहीं पे इसको क्या करेंगे सर, एंड करेंगे, है ना। मिड पॉइंट पे निकालना है तो ठीक तो है मिड पॉइंट, अच्छा 3 किलो है, 3 और 1 4 होएगा सर, 1 किलो तो इसका होएगा और 3 किलो इसका होएगा, तो ये 4 किलो होगा, 4g, ये मास पे कितना होगा, 4, 3 इसका और 1 इसका 4, ये कितना हो गया 8 40, ये कितना हो गया 48, वो ध्यान नहीं दिया, 1 + 3 1 + 3 कितना हो गया 4, तो नीचे क्या लगेगा 4g, नीचे क्या लगेगा सर 4g, तो t − 4g, तो t − 40, मास कितना है 4 × 2, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 + 40 48 न्यूटन, ठीक है।